नमस्कार, मिशन जीनियस माइंड से संजीव मलिक। दोस्तों, ये वीडियो हमारे क्वेश्चन आंसर सीरीज से है। मैं आप लोगों ने एक सवाल किया है, यूट्यूब व्यूअर ने, उन्होंने कहा है कि मेरे पापा इस संसार से चले गए हैं 2 साल पहले, मुझे उनकी बहुत याद आती है, मैं चाहती हूँ कि वो मेरे जीवन में दोबारा आ जाएं। ऐसे ही किसी और लेडी ने भी सवाल किया है, उन्होंने कहा है कि मेरे हस्बैंड को अभी 6 महीने पहले एक्सपायर हो गए, क्या मैं उनसे दोबारा कभी मिल पाऊंगी। ऐसे ही किसी और व्यक्ति का भी सवाल है, उन्होंने अपने बेटे के बारे में कहा है कि मेरा बेटा एक्सपायर हो गया था, क्या वो मेरे जीवन में दोबारा आए, मैं ऐसा चाहता हूँ, तो क्या ऐसा करना उचित है। मेरा आंसर इस बारे में क्या है, शायद और भी लोगों के मन में ऐसा आता हो, इसलिए मैं उसका जवाब दे रहा हूं। ऐसा करना बिल्कुल भी उचित नहीं है, बिल्कुल क्लियर कट इसका आंसर है, बिल्कुल भी आप कुदरत के नियमों में हस्तक्षेप मत कीजिए, प्लीज मत कीजिए, ये बहुत डेंजरस है, बहुत डेंजरस है। मैंने देखा कुदरत के बहुत सारे नियम जब डिफाइन ऊपर होते हैं, क्योंकि स्पिरिट गाइड से हम लोग कनेक्ट रहते हैं, और पास लाइफ में जब खुद जाते हैं या किसी और को लेकर जाते हैं, तो बहुत सारे ऐसे फैक्ट रिवील होते हैं, जहां जहां भी किसी ने किसी भी आत्मा के साथ कोई संपर्क बनाने की कोशिश की, या उनको किसी भी तरह से डिस्टर्ब किया, या अपनी मेंटल एनर्जी से उनको रोका, वहां वहां उनकी प्रोग्रेस पूरी तरह से रुक गई। जैसे उदाहरण के लिए, आप जब इस संसार में, जब तक हम जो भी हम कर्म कर रहे हैं, जिस हिसाब से हम, हमारी आखिरी इच्छा होती है, आखिरी वासनाएं हमारे मन में होती हैं, उसके बेसिस पे कुदरत हमारे लिए, नेचर, ये ब्रह्मांड हमारे लिए अगले जन्म का प्रबंध करता है, हमारे अगले जन्म की व्यवस्था होती है। अब जिस समय आप का कोई पर्सन यहां से शरीर छोड़कर गया, तो उसके लिए नेचर ने पहले से अरेंजमेंट किया हुआ है कि इसको लगभग साल भर के लिए इसको रिलैक्स किया जाएगा। आप मेरा दूसरा वीडियो देख सकते हैं कि जाने के बाद हमारे साथ क्या होता है, बहुत सारी चीजें मैंने उसमें डिस्क्राइब करी हैं, बहुत ही साइंटिफिक ढंग से उनके बारे में बताया है। मृत्यु के बाद के कुछ अनुभव के नाम से मैंने एक वीडियो डाला है, जिसका लिंक नीचे दिया हुआ है, आप देखें उसको। उससे जाने के बाद के जो अनुभव है, उसके दौरान तो नेचर ने पहले से डिसाइड किया होता है कि इस इतना समय इसको रिलैक्स करवाना है, इतने समय के बाद इतने इसके कर्मों का हिसाब किताब होना है, रिव्यू होना है, उसके बाद इसका अगला जन्म इतने दिनों के बाद होना है। अगले जन्म के डिसीजन भी आज हो रखे हैं, ये आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर कट डिफाइन होता है वो। अभी भी मुझे अपने जीवन के बारे में बहुत अच्छे से पता है कि मुझे कब तक मरना, कब तक मुझे जीना है, कब मरना है, अगला जन्म कब होना है, वो बातें तक भी डिसाइडेड हैं। अब होता क्या है, जब आप कोई ऐसी गड़बड़ करते हैं, मान लीजिए कोई परिजन चला गया किसी का, और वो उसके लिए नेचर ने पहले से डिसाइड किया हुआ है कि इस व्यक्ति का जन्म इस परिवार में इतने टाइम में होना है, अब से 2 साल बाद, आज वो मरा है, अब से 2 साल बाद इसका जन्म फलाने परिवार में फलानी जगह पर होगा, ऐसा करके नेचर ने डिसाइड किया हुआ है, और उसके आगे की लाइफ की पूरी सीक्वेंस तय है, बहुत सारी बातें तय हैं। 50-50 का मामला होता है, 50% नेचर तय करती है, 50% आपके हाथ में डिसीजन दिए जाते हैं, जिसको हम अपना क्रियमान कर्म बोलते हैं, अपनी मेहनत बोलते हैं। मेहनत से हम बहुत सी चीजें बदल सकते हैं, लेकिन सब कुछ नहीं बदला जाता। तो वो जो पार्ट नेचर ने लिखा हुआ है, उसी को हम प्रारब्ध बोलते हैं, उसी को हम किस्मत बोलते हैं, तो वो हमारे ही कर्मों का रिजल्ट है। अब उस कर्मों, अगर आप यहां से आज डिसाइड करते हैं, आप, आपके घर का कोई सदस्य बोलता है कि मुझे तो ये व्यक्ति अपने जीवन में चाहिए, मान लीजिए इस विश को आप अपने दिल में बड़ा गहरा डालते हैं, तो कुदरत आपकी इच्छा का भी सम्मान करती है। अब आपकी विश को पूरा करने के लिए, कि आप चाहते हैं कि ये पर्सन मेरे जीवन में आए, कुदरत को उसकी लाइफ को पूरा का पूरा छेड़ना पड़ेगा, नेचर को पूरा बदलाव लाना पड़ेगा, उसकी सीक्वेंस जो नेचर ने डिसाइड की हुई थी, ऐसा होगा वैसा होगा, एक सीक्वेंस बनाई गई थी, जिसके कारण उसके कर्मों के जो हिसाब किताब थे वो क्लियर होते, कार्मिक अकाउंट क्लियर होते, वो सारी सीक्वेंस आपने ब्रेक कर दी, आपने कहा कि ये पर्सन मेरे जीवन में चाहिए,
आप उसको बहुत दिल से याद कर रहे हैं, आप बार बार अपने मन में तड़प रहे हैं। पहली बात तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, आपके फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए ऐसा करना ठीक नहीं है। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि जबरदस्ती ऐसा हो जाए कि ये पर्सन आपके जीवन में आए, तो यकीन मानिए ये सुखी नहीं रहेगा आपके पास। मान लीजिए वो किसी जीवन में, जैसे उसने कहा कि मेरा, मान लीजिए वो आपका बेटा बनकर आ जाए या आपका पोत्र बनकर आ जाए, बेटे का बेटा या बेटी का बेटा या दोत्र बनकर आ जाए या किसी और फॉर्म में, पड़ोसी बनकर किसी फॉर्म में आ जाए, ऐसा हो सकता है। ऐसा हो अगर आप बहुत ज़्यादा डिमांड करें तो कुदरत ऐसा कर सकती है, पर ये यकीन मानिए कि ऐसा करके आप जो कुदरत के अंदर जो आपने छेड़खानी करी है, नियम जो तोड़े हैं, उस नियमों की सज़ा आपको भी और इस पर्सन को भी भुगतनी पड़ती है, और ये बहुत डेंजरस होता है। ये बच्चा कभी सुखी नहीं रहेगा अगर ये गलती से आ गया तो। ये पर्सन अगर बच्चा बन के किसी के घर में दोबारा आ गया इनकी डिमांड पर, तो कभी सुखी नहीं रहेगा। ये बहुत परेशान होगा, बहुत सारे दुख इसे झेलने पड़ेंगे। इसकी डिमांड पूरी करने के लिए कुदरत को बहुत सारे नियम तोड़ने पड़ते हैं अपने, विच इज़ नॉट गुड। ब्रह्मांड से ज़्यादा हम इंटेलिजेंट नहीं हैं। इसी चीज़ को हम समर्पण बोलते हैं। समर्पण का अर्थ है यूनिवर्स की इतनी जो माहीन, इतनी जो बारीक कैलकुलेशन है, इतनी जो महान उसकी एग्जिस्टेंस है, उसको नमन किया जाए, उसको नमस्कार किया जाए। कि इसी को हम कहते हैं कि भगवान की इच्छा का सम्मान करना, वो ब्रह्मांड उसी को हम परमात्मा कह देते हैं। हम कहते हैं प्रभु आपकी लीला अपार है, अनंत है, हम आपका पार नहीं पा सकते। सो सच में पार नहीं पाया जा सकता। हजारों लाखों करोड़ों पृथ्वियां हैं, उन पृथ्वियों पर करोड़ों तरह के लोग जी रहे हैं, उन करोड़ों अरबों खरबों, कितने अरब बोलूं, उतने सबका हिसाब किताब ही कुदरत रख रही है। कौन कहां मर रहा है, कौन कहां जी रहा है इस पृथ्वी पर, कितनी इस पृथ्वी की ही पॉपुलेशन को आप देख लो, कौन हिसाब किताब रख रहा है कि किसके जीवन में कौन से कार्मिक कब आ रहे हैं। इतनी महान जो कैलकुलेशन चल रही है, इसको नमस्कार ना करें तो क्या करें। तो इसको नमस्कार ही किया जाए, सरेंडर कर दिया जाए। सरेंडर का अर्थ है कि जो तुझे, जो तेरी इच्छा वही मेरी इच्छा, जो तुझे लगे अच्छा वही मेरी इच्छा। तो ये परमात्मा की विल के आगे सरेंडर कर देना, जो हुआ है उसको सरेंडर करके शांत हो जाना, रिलैक्स कर देना। और जो परिजन आपके घर से जा चुके हैं उनके मन का रिश्ता उनसे तोड़ लें, ताकि उनकी सोल यहां से रिलीज हो सके। मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी और आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप फिर भी सवाल नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।